नमस्कार, मेनुका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कढ़ी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है। पकोड़े के लिए हमने चार प्याज लिए हैं। चार प्याज को लंबे स्लाइस में काटा हुआ है और यह आपका 100 ग्राम बेसन है और आपका यह एक हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक काटा हुआ है और ये आधी चम्मच लाल मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है। नमक स्वाद अनुसार लेना है, पानी आपने आवश्यकता अनुसार लेना है और ये पकोड़े तलने के लिए हमें तेल चाहिए। सबसे पहले हम ये प्याज लेंगे कटा हुआ, इसमें हम बेसन डाल देंगे। अब कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालना है, हल्दी डालना है, नमक आपने स्वाद अनुसार लेना है। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी मिक्सचर तैयार करते हैं। देखिए हमारा पकोड़े का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में तेल डाला हुआ है, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकौड़ा डालेंगे। ये देखिए हम ऐसे छोटा छोटा इसको बना के डालते जाएंगे। पकौड़ा थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और आपने इसको स्लो आंच में फ्राई करना है। जब तक ये पकौड़ा फ्राई हो रहा है तब तक हम कढ़ी का घोल तैयार करते हैं। आपने ये एक पाव दही लेना है, इसमें आपने दो चम्मच बेसन डालना है, आधी चम्मच हल्दी डालना है, आधी चम्मच लाल मिर्च डालना है, नमक स्वाद अनुसार डालना है, आपने इसमें आधी चम्मच हींग डालना है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है और ये घोल बहुत गाढ़ा है। अब हम इसमें एक मग पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा कढ़ी का घोल तैयार हो गया है। अब हम कढ़ी बनाते हैं। ये देखिए हमारा पकौड़ा फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें साबुत मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे, लहसुन और अदरक का ये पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें ये कढ़ी का घोल डालेंगे। जब तक इस कढ़ी में एक उबाल ना आ जाए तब तक हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारे कढ़ी में एक उबाल आ गया है। अब हमने इस कढ़ी को 10 मिनट तक स्लो आंच में पकाना है। ये देखिए 10 मिनट हो गया है और हमारा ये कढ़ी बन गया है। अब हम इसमें पकौड़ा डालेंगे। पकौड़ा डालने के बाद में आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक पकाना है। इसके बाद आपने गैस ऑफ कर देना है। ये देखिए हमारा कढ़ी बन के तैयार हो गया है। अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा कढ़ी बन के तैयार हो गया है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।